तो गाइज आज तो मस्त चीज होगी, मतलब इतनी मस्त वाली फीलिंग आ रही है ना आज तो, मतलब पार्टी करेंगे मस्त। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भी गाइज सुबह के 4:40 हो रहे हैं फिलहाल, अभी मैं दिल्ली में कुछ काम से आया था तो फिलहाल वापस जा रहा हूँ हल्द्वानी। तो चलो चलते हैं हल्द्वानी, अराउंड मैं 9-10 बजे तक हल्द्वानी पहुँच जाऊँगा, फिर मेरी मीटिंग भी, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है हल्द्वानी में, तो हाँ वो करनी है मुझे जल्दी से। 12 बजे मेरी मीटिंग है तो 12 बजे से पहले मुझे हल्द्वानी पहुँचना है। तो गाड़ी अपनी आ चुकी है। तो भी गाइस सुबह के 5 बज चुके हैं, सुबह देखो सारा खाली होता है, तो मस्त दिल्ली से जल्दी निकल जाएंगे, ट्रैफिक नहीं मिलेगा हमको बिल्कुल भी। दिन में तो ये रोड पूरी भरी रहती है पूरी गाड़ियों से, अभी देखो सुबह सुबह 5 बजे पूरी खाली, बढ़िया सही है, हम सही निकल रहे हैं। तो ये दिखा रहे कि हम 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, 5 घंटे लगेंगे। तो भी गाइस सुबह के 6:12 हो रहे हैं और भूख लगी तो रुके हैं अभी ढाबे पे, तो ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ आलू का पराठा खाते हैं। आज इतनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए हम, नहीं तो यूजुअली 9-10 बजे खाना खाते थे हम। तो भी गाइस मस्त आलू के पराठे खा के आ गए, मस्त पेट भर गया, पता नहीं कितने टाइम के बाद इतनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करा हमने। तो अब चलते हैं नॉन स्टॉप सीधा हल्द्वानी। तो गाइस फाइनली हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, सिर्फ 11 किलोमीटर रह गए, 11 किलोमीटर भाई, अभी 10 भी नहीं बजे और हम दिल्ली से हल्द्वानी पहुंचने वाले। फायदा हो गया सुबह सुबह आने का, ट्रैफिक भी नहीं मिला। गाइस पहुंच गए अपने एरिया में, चलो पहुंच गए भाई। घर तो आपका है भाई, घर तो आपका ही है, सस्ती हवेली है। सस्ती हवेली, हवेली तो है ना, हवेली। चलो अब मैं चलता हूँ अपने घर पे, गाड़ी बैक करने के लिए मुझे इनके घर के अंदर डालनी पड़ती है। देखो अब गेट खोला इन्होंने, अब मैं गाड़ी अंदर ले जाऊंगा, अंदर से बैक करूंगा, अंदर काफी स्पेस है ना, तो यहाँ तो कर नहीं सकते, यहाँ तो खेत ही खेत हैं, तो अंदर लेनी पड़ी गाड़ी। तो देखो मैं अंदर लेके जा रहा हूँ गाड़ी, अब अंदर लेके इनके घर के, ये इनकी हवेली, अब यहाँ बैक करूंगा, यहाँ मस्त बैक होती है गाड़ी। ये रिवर्स गियर, ये मोड़ी, ये मोड़ी, चलो ये देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है ना बैक करने का, मुझे खेत के अंदर डालनी पड़ेगी, खेत में डालूंगा तो फिर सारी फसल खराब हो जाएगी, तो यहाँ पे बोर रखा सब कुछ, तो इसीलिए घर के अंदर से बैक करनी पड़ती है गाड़ी। तो अब चलता हूँ मैं अपने घर पे, यहाँ से मेरा घर पास ही है। गाइज मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना मीटिंग की, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे पर्सन के साथ में मीटिंग है जिसको मैं बहुत मानता हूँ अपनी लाइफ में। मैं उनसे पूछूंगा, अगर वो परमिशन देंगे तो ही मैं वीडियो में बताऊंगा, तो ही मैं दिखाऊंगा आपको, अदरवाइज मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज वो पर्सनल बात है, पर्सनल मीटिंग है, तो देखते हैं जो भी रहेगा। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कुछ टाइम पहले उनको देखते थे, आज उनके साथ में मीटिंग है। चलो सोसाइटी पहुँच गए, तो बैग उठा रहे थे, इसी पे लैपटॉप है ना, इसी में करेंगे ना मीटिंग। तो मैं एक ही बैग ले गया था, क्योंकि एक दो दिन के लिए गया था ना दिल्ली, बाकी तो कुछ सामान है नहीं, कैमरा ही है एक। ओलू ओलू सदा गए हैं, सदा गए ओली, अच्छा आ जाओ ओलू, क्या हुआ 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 क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हैं, 2 दिन में तो आया हूँ, अरे इतना क्यों कूद रहा है, क्या हुआ मुझे चाटने के, रुको रुको रुको, कितना खुश हो गया देखो। तो फाइनली गाइस घर पे पहुंच चुके हैं, मुझे मेरी मीटिंग है पता है आपको 12 बजे, पीयूष और कुणाल शायद उठे नहीं है अभी। चलो मैं तैयारी करता हूँ अपनी मीटिंग की। चाचा चाची तो गए, गए चाचा चाची गए, और अकेले क्यों भेज दिया उनको, अकेले फिर क्या करते, वहाँ मुसोरो भाई का वो हो गया, अम्मा बाबू कब से कह रहे थे कल परसों से वहाँ, अबे यार फिर मैं... क्या हुआ, कोई बात चाचा... नहीं फिर चले जाएगा बेटा, चाचा चाची को अकेले भेज दिया गाँव, क्योंकि ना तेरे फिर साथ वहाँ पे खेत में काम था ना, मैंने कहा था मैं भी जाऊंगा गाँव, मेरा जाने का मन था, अम्मा से मिलने का मन कर रहा था, अम्मा बाबू से, तो मैं भी जाऊंगा गाँव। चलो दिव्यांश के देखते हैं क्या हाल हो रहे हैं, सो रहे हैं, तो दिव्यांश और साहिल तो सो रहे हैं अंदर, चलो डिस्टर्ब नहीं करते। कुणाली उठो, सुबह हो गई और ही उठाएगा, नीचे गिरेगा उधर, पलटेगा नहीं, गिरेगा यार उधर को, पलट जाएगा देख, बिल्कुल नहीं पलटेगा, मैं खड़ा हूं ना यहां, इसके फेस पे क्या हो गया, आपके फेस पे क्या हो गया, ये निशान निशान हो गए। तो भी गाइस 11 बज चुके हैं, मीटिंग के लिए सिर्फ 1 घंटा बाकी है और मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है भाई, इतना डर सा लग रहा है ना, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। तो देखते हैं जब मीटिंग चालू होगी तब बिलीव होगा मुझे तो, कि मैं उनसे बात करने वाला हूँ। चलो मीटिंग से पहले कुछ खा लेते हैं, थोड़ी एनर्जी आएगी मीटिंग में बोलने की। तो मम्मी ने मस्त फेवरेट कढ़ी चावल बनाए हैं, हाँ इतना काफ़ी है बस बस। तो अभी खाना भी हो गया, अब मस्त लैपटॉप उठा के बैठ जाता हूँ, 12 बजने का वेट करते हैं भाई। लैपटॉप चालू कर दिया है और सिर्फ 13 मिनट बाकी है भाई, डर बढ़ता जा रहा है, पता नहीं डर क्यों लगता है यार, मतलब
वैसे तो मैं, मेरे को डर नहीं लगता किसी चीज़ में, लेकिन बड़े लोगों से बात करने में तो लगता है यार। तो गाइस फाइनली मैं तो रेडी हूँ, 3-4 मिनट रह गए बस। फाइनली मेरा दिल इतनी तेज तेज धड़क रहा ना। तो फाइनली गाइस मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और मीटिंग थी मेरी मिस्टर संदीप महेश्वरी सर के साथ में, और उन्होंने इतना कंफर्टेबल फील कराया, इतने अच्छे से बात की। उन्होंने बोला कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हमारे बच्चे आपकी वीडियोस देखते हैं। भाई सुन के मुझे बिलीव ही नहीं हुआ यार, क्योंकि गाइस जब मैं कुछ भी नहीं था, मैं 12th में मेरे कम नंबर आए थे, और उसके बाद मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा था, तब मैंने उनकी वीडियोस देखी, मैंने सीखा लाइफ के बारे में, मैंने हार नहीं मानी। मैंने मतलब कब से देख रहा हूँ उनको भाई, इतने साल पहले से, जब मैं कुछ भी नहीं था भाई भी। आज मेरी उनसे बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि मैं आपको जानता हूँ। भाई जो फीलिंग आ रही है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता गाइस, इतनी तगड़ी फीलिंग आ रही है। मैंने उनसे पूछा कि मैं बता सकता हूँ अपने ऑडियंस को, हाँ कुछ करो बताओ। तो जल्दी ही मिलने वाले हैं उनसे, और सेशन करेंगे उनके साथ में, पूरी फैमिली को लेके जाऊँगा संदीप महेश्वरी सर के साथ में। तो अब चलते हैं, पूरी फैमिली को बताता हूँ भाई जो फीलिंग आ रही है ना भाई। गाइस बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। हो गई बात, बात हो गई संदीप महेश्वरी सर से, उन्होंने बुलाया, उन्होंने पूरी फैमिली को बुलाया। कहाँ? अपने यहाँ सेशन में। कहाँ रहते हो? पीयूसी। मम्मी इधर आओ। सबसे मेन बात तो ये है कि वो हमको जानते हैं, वो हमारी वीडियोस देखते हैं। अच्छा। उनके बच्चे हमारी वीडियोस देखते हैं। मैं मम्मी जी को वीडियोस दिखाता था उनकी, याद है? हाँ, दिखाता। स्टार्टिंग में मैं वीडियोस दिखाता था, जब हमारा चैनल भी नहीं था, तब की बात कर रहा हूँ मैं। वो फिर मतलब तो हर काम ये वीडियो देख देख के नहीं करता था, जैसे मैं लिटरली लाइफ में जो भी करता हूँ, मैंने जो भी सीखा है मैंने उन्हीं से सीखा है भाई। आज उनसे बात हो गई भाई। भाई तेरे को भी जानते हो, कह रहे थे उसको भी लेके आना। चलेंगे, जरूर चलेंगे। हैं अब कभी? तो पूरी फैमिली जाएगी उनके सेशन में, जल्दी से डेट मिलेगी हमको, और मजा आएगा भाई। भाई अभी तक तो भाई मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा यार। गाइज आज लग रहा है कुछ अचीव किया है, बिकॉज जिनसे लाइफ के बारे में सीखा, आज उनसे बात हो गई, मतलब ऐसा लग रहा है आज कुछ अचीव कर लिया भाई। चलोगे अब आप भी? हाँ चलोगे ना? बिल्कुल चलेंगे, सब चलेंगे, मिल गए पूरी फैमिली। तो गाइज आज तो मस्त चीज़ होगी, मतलब इतनी मस्त वाली फीलिंग आ रही है ना आज तो, मतलब पार्टी करेंगे मस्त। कहाँ करना है बताओ? कहाँ चले? कहाँ चले? तो अभी गाइज हम जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने के लिए, पंजाब से हमारे से मिलने आए हैं। अभी मानसी जी का फोन आया था कि कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन आए हैं मिलने के लिए, चलो जल्दी चलते हैं उनसे मिलते हैं। देखो जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन आए हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं, वो आने को हमारे घर भी आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने कॉल करा, उन्होंने मानसी जी को कॉन्टेक्ट किया, वो उनके थ्रू मिलवा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट पर, वहीं मिलेंगे उनसे। ये पानी कहाँ से ले आए? पानी रख ले बोतल। हम घर से बाहर निकलते हैं ना, मम्मी ठंडे बोतल की पानी देती है। पानी जरूर ले जाना चाहिए बेटा, साथ में ना। ठंडे बोतल की पानी, ठंडे पानी की बोतल, ठंडे पानी की बोतल देती है मम्मी हमेशा। बिना पानी के कभी नहीं जाना चाहिए। थैंक यू मम्मी। चलो थार लेके चलते, चारों भाई चलेंगे। चलो चलो, तो सवारी बैठो, सवारी बैठो, चलो 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 चलो। तो भी हम आया वायरस में, यही हमारी मीटिंग। बाय बाय। फ्लावर तो मेरे लिए है। हाँ तो चलना, मैं थोड़ी ले रही हूँ। तो फाइनली मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, काफी अच्छा लगा, कोल्ड कॉफी पी और बातचीत की। तो फिलहाल जा रहे हैं स्काईडेक, मानसी जी भी जा रहे हैं साथ में, तो मानसी जी को भी उठा लेते हैं। तो भी गाइस हम जा रहे हैं मानसी जी को घर छोड़ने के लिए, उसके बाद फिर जाएंगे स्काईडेक। स्काईडेक आपको नहीं ले जा सकते। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? आपको घर छोड़ रहा हूं मैं। ऐसे नहीं हो सकता। कुनाली, कुनाली आप बताओ क्या करेंगे? घर छोड़ दो। घर छोड़ देना। घर छोड़ रहे हैं आपको, ठीक है? मानसी जी का पेट देखिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। अभी मुझे गाड़ी में बैठा इसलिए था कि स्काईडेक ले जाएंगे, और अभी मुझे बोल रहे हैं घर छोड़ देंगे, और तो मैं तो उतरूंगी नहीं। क्या करेगा तू? पार्टी आप दे रहे हो ना? तो दे रही हूँ ना पार्टी आप दे रहे हो। फिर तो आपको ही ले जा रहे हैं हम। हाँ। आपको ही तो ले जा रहे हैं हम। मालिक को ले जा रहे हैं। आपको ही ले जा रहे हैं हम। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है आपको नहीं ले जा रहे? मैं रोज व्लॉग देखता हूँ। देखते हो? थैंक यू। पार्टी? हाँ चलिए। तो अभी हमने ऑर्डर किया है पनीर टिक्का, क्रिस्पी कॉर्न, पिज्जा, और भाई लस्सी कौन खाता है पनीर टिक्का के साथ, मतलब। तो अभी हमारा पिज्जा तो आ गया। तो अभी गाइस फाइनली पार्टी करके आ गया, पूरी 229 रुपए की पार्टी।
तो अभी गाइस घर पहुंच चुके हैं, अब फिलहाल एडिटिंग स्टार्ट करूंगा मैं। बाय द वे खाना तो बाहर ही खा लेता, तो अभी भूख तो लग नहीं रही है। तो हाँ, लेकिन ना आज इतनी मस्त वाली नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आई जो कि आज तक कभी नहीं आई। पता नहीं ऐसा लगा क्या ही मिल गया संदीप में इसी से बात करके। तो हाँ, ये फीलिंग अब हमेशा रहेगी मेरे पास, मतलब कभी नहीं भूल सकता मैं। और ऐसा लग रहा है सब कुछ मिल गया, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। अभी तो उनसे मिलना भी है सेशन करने के साथ में, तब पता नहीं कैसा लगेगा यार। मतलब ये चीज़ें आप लोग नहीं समझ सकते, ये मैं ही समझ सकता हूँ, बिकॉज मैंने पता है कि मैंने उनसे क्या सीखा है क्या है। तो हाँ, मतलब अब तो बस एक्साइटमेंट हो रही है जल्दी से मिलने की, उनकी जल्दी से मिलेंगे, उनके साथ में व्लॉग भी करेंगे और उनके उनके स्टूडियो में जाएंगे और उनकी फैमिली से मिलेंगे। मतलब अच्छा लग रहा है यार। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, एडिटिंग करूँगा और फिर सजाऊँगा। और इतना अच्छा लग रहा है यार, बता नहीं सकता मैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मतलब मेरे अंदर ना पॉजिटिविटी भर चुकी है, अब कोई कितना नेगेटिव हो जाए मेरे बारे में कुछ भी हो जाए भाई, इतनी पॉजिटिविटी भर चुकी है ना बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। द मोमेंट शी सॉ दैट 4x4 उनकी है एंड दे सॉ योर नंबर, शी इमीडिएटली सेड नहीं मम्मा ये उन्हीं की कार है। एंड होल वे यू नो दिस 500 किलोमीटर शी बीन जस्ट टॉकिंग अबाउट यू ओनली, 500 किलोमीटर से सिर्फ आपके बारे में बात करती करती आ रही है ये। और मिल के देखो, थैंक यू सो मच, योर बिगेस्ट फैन। आपका नाम क्या है? दिव्यांश।